अमर साहब, हाँ बोलो, चुप क्यों हो गई? नहीं, वो आज मुझे जरा मार्केट जाना था कुछ जरूरी सामान लेने, तो हाँ तो जरूर जाओ, मैं ड्राइवर से कह दूँ तुम्हें ले जाएगा। नहीं नहीं आप समझे नहीं, ये चाह रही थी अगर आप मारूफ बीबी से मुझे इजाजत ले देते जाने की तो। तुम्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, मुझे बता दिया काफी है, और वैसे भी मारूफ सोई भी है, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। लेकिन मैं तो तैयार हूँ। ऐसे नहीं, अच्छा सा तैयार हो जाओ, कभी कभार जानने वाले मिल जाते हैं। जाओ, शाबाश। साहिर, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं आ रही हूँ, क्यों बार बार मुझे तंग कर रहे हो? नाराज मत हो इफ्रा, बस कंफर्म कर रहा था कि तुम वाकई आ रही हो या फिर मुझे कहीं टाल तो नहीं रही। कैसे टाल सकती हूँ तुम्हारी बात साहिर? जाहिर अगर मैं तुमसे मिलने ना आई तो मेरी जिंदगी मुश्किल बनाने के लिए तुम यहाँ आ जाओगे? आना तो पड़ेगा ही मुझे मिलने। ऐसा मत करो इफ्रा, बहुत टूट गया हूँ मैं। जिंदगी गुजारने का तसव्वुर ही नहीं है मेरे पास। हमने सारे ख्वाब मिलके देखे थे इफ्रा, और तुम्हारे अब्बा के सामने हाथ जोड़कर मांगा था तुम्हें, और फिर भी ये सब हुआ जो कि बर्दाश्त से बाहर है। अच्छा मैं आ रही हूँ साहिर, बस अल्लाह करे किसी तरह मेरी बात तुम्हारी समझ में आ जाए। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं।